जब अंधकार गहरा हो और उम्मीद का कोई सहारा ना लगे, तब विक्टर फ्रेंकल ने जीवन की खोज में मजबूती और अर्थ की तलाश में दिखाया। उसकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग एक कहानी है जिसमें विजय, हिम्मत और मुक्ति की शक्ति का आभास होता है। रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रहा। वहीं हमारा बिस्तर था जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हमें 7-8 लोगों को ओढ़ने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जद्दोजहद कर रहे थे। अगले कुछ घंटों के लिए हम दर्द से आजाद थे। हम बगैर दांत मंजे अपने दिन की शुरुआत किए करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि पूरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। नहाना भी हमें मुश्किल से ही नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नाम नहीं। सही कहता है दोस्तोस्की कि इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने के ख्याल हम सबके जहन में आ रहे थे। हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चैम्बर में ले जाकर जिंदा ना जला दे। ऊपर से गाज अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह ना उम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और कब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ पता नहीं। हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर भी थे जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वो हमारे ऑस्विड पहुंचने के हफ्ते भर पहले ही आया था और उसी ने हमें बताया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहाँ काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहाँ ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं, बहुत निराश और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मुस्लिम्स कहकर बुलाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सब अपनी जिंदगियों से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस दिन से हम कैंप में आए थे, अपने घर और परिवार वालों की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और डरावना। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम उन सब चीजों के आदि होते गए। हम इतनी निराश थे जिंदगी से कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे बेहतर होते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ चिथड़े थे और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए कोठरियां दी गई थी। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखाई तो उससे कैदी सजा मिलती थी, कड़ी सजा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहाँ तक की टट्टी भी। हमारी कोठरियां एक तरह नरक से भी बदतर हालत में थी। जो नया कैदी लाया गया उनकी हालत और भी खराब थी। उसने लैटरिन साफ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उनके मुंह पर टट्टी मार दी जाती और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे कैपोस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट प्रदेश निकाली जाती थी।
उन्हें कैंप के चारों ओर कई कई घंटों गार्ड की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सजा के तौर पर बर्फ पर नंगा पैर खड़े होने का हुक्म मिला। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उस फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रेन हो गया था। ये हर रोज की बात थी जब हम लोगों को दर्द से तड़पते हुए और मारते देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगा था। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना कोई दर्द, ना दुख, ना दया, और ना ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम इन सब इंसानी जज्बातों को भूल चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था, ऐसा खालीपन जिसमें अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफूस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत खराब थी, सबको तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वो बहुत जोरों से कांप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने ही मर गए। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए को कोट झपट लेता था तो कोई उसके जूते, और कोई कैदी का बच्चा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात कर रहा था और अब उसके मरते ही वहां हड़बड़ मच गई। उसकी चीजों को हथियाने की छीना झपट चल रही थी। उस शोरगुल के बीच में भी चुपचाप अपना सूप पीता रहा। गार्ड हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक्स पर काम कर रहा था तो बड़ी जोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्ता ही रहा था कि वहां खड़े एक गार्ड की नजर मुझ पर पड़ी। उसे ना जाने क्या सूझा कि उसने एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत उस जानवर सी लगी जो खेतों में काम करता है। मुझे एक बार सिर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौकों पर मार खाने से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह की मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोट दिया था। हमारी इंसानियत छीन कर हमें जानवर बनाया जा रहा था। लगभग हम सभी को बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एडमा हो गया था। हम सबका हालत हाथ पैर बुरी तरह सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सूख चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते नहीं आ पाते थे, मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ में काम करते वक्त हम नंगे पांव नहीं रह सकते थे। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ में फिसल पड़ा और पीछे के बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड एक पल की भी देरी नहीं करता था अपने राइफल के पिछले हिस्से से हमें मारने में। हमें कहा जाता कि कमजोर लेबर हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं, मगर क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी तरह अपने परिवार और घर के लिए नहीं तड़पते हैं और ना ही उन्हें बात बात पर जानवर की तरह पीटा जाता है। हमारी ये उदासी एक तरह से हमारा सेफ डिफेंस थी। हमें सिर्फ किसी तरह जिंदगी जीते रहने की हवस थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहता कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था तो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखता था।
काम के दौरान गार्ड्स की आंख बचाकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा खाने का जिक्र किया करते। हम अक्सर आपस में रेसिपी शेयर किया करते थे। अपनी आजादी की उम्मीद दिल में लिए हम इस कैद से छूटने के बाद रीयूनियन के प्लानिंग भी करते थे। सभी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे यहाँ से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारे या खूबसूरत सपने हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर थे। कभी कभी हमें चीज और मैगरीन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेज या पतला सा जाम भी। हमारे भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्का थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चिथड़े थे। शरीर से जब सारा फैट खत्म हो जाता है तो शरीर खुद को ही खाने लगता है। भरपूर खुराक ना मिलने पर मसल्स गायब हो जाती है। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लगता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत ये थी कि कोठरी में भूखमरी से अब किसकी मौत होगी ये हम यकीन से कह सकते थे। रात सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, ये शरीर अब बस पिंजरा बनकर रह गया है। मैं क्या था और अब क्या हो गया हूँ। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले तेज आवाज में 3 सीटियां बजाई जाती थी। आवाज सुनते ही हम उतना जल्दी उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे काम पर जाने के लिए। सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलते बर्फ पर मार्च करने के लिए। हर रोज रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब सिरे बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच खाने दिए जाते थे। यही हमारे पूरे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब इतने भूखे होते थे कि हमें से कुछ लोग तो पलक झपकते ही पूरा खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। मेरा तबादला ऑस्ट्रिच से डाचाऊ के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहां कुल 2000 कैदी थे। जाते वक्त हमारी ट्रेन वेना से होकर गुजारी वही शहर जहां मेरा घर था। प्रिजन कार के अंदर हम सब 50 लोग थे। हमें ठूस कर उस डब्बे में भरा गया था जिसमें एक भी कैदी नहीं थी। और जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी। हमें से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ पूरे सफर में खड़े रहे। उस डब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे हमें बाहर का मंजर दिखा रहा था। ट्रेन की पटरियां मेरे वतन से
होकर गुजरती थी और उस घर के पास से भी जहां कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नत की कि वे मुझे थोड़ी सी जगह दे दे ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं, मगर मेरी बातों और मेरे जज्बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं, कुछ पल के लिए ही सही, मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी, बल्कि उनमें से एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहाँ रह चुके हो, अच्छा फिर तो तुम पहले ही